नमस्कार, मु दीप्तिमय सिंह आपण को नुआखाई रे अभिनंदन और जुहार। संपर्क सबुबले रक्तर ही होता है एमती किसी माने ना, यह मन सहित जड़ा। यह परिप्रेक्षी मोर एक क्षुद्र गल्प भिन्न एक संपर्क आसंत शुणा। सूर्य मुंड उपरको उठी आसे, बेल बोधे बारटा बाजबणी हेले सूरज का घरे आज चूली जलूना, गाँ भी आज आगपरी चलचंचल ना, सबुआड़े पूरा सुनसान लगुच। सत जमी एक अजब नीरवता, यही नीरवता क्यों झड़र पूर्वानुभूति नुहे तो? यही नीरवता आउ किसी कथा कहूनी तो? एमती भाबु भाबु सूरज ठिया उठिला। भेंडा टका सूरज 22 वर्ष बयस, परिवार बोली चारि प्राणी, माँ भौणी संध्या और सान बापार झी पिंकी। बापा तो केविठू चली जाइले, आउ ए कोरोना महामारी सान बापा और खुड़ी को भी छड़े नेला। बापा गलापर सबू बुझुले सान बापा, हेले एबे से भी आरपारी घर बोझ सूरज कांधरे। 4 मास हेब डोर बांधिला पाठपढ़ा, कौन कर भावि नपारी गोटे लुगा दोकान काम करूला। हेले दुर्भाग्य जहार पछे पड़े तार छाई भी ताकु डराए। सूरज जो दुकान रे काम करूला से ही दुकान रो मालिक को कोरोना बाहर। एबे सूरज 14 दिनिया होम क्वारंटाइन रे, कोरोना भय रे तांको दुआर मध्य केही माड़ू नहांती। 2 दिन हो गला चूली जलिनी सूरज का घरे। सरकारी अफिसर द्वारा बंधा जाइथिबा बाउंस बाड़ सते जेमिति बाड़ पकाई देछि समाज और सूरज को परिवार भितरे। माँ मुंडरे हात दे कांदुची, भौणी संध्या सान भौणी पिंकी रो हात धरी ताकु बुझेबा को अनेक चेष्टा करुची। हेले 5 वर्षर कौला शिशुबा कौन बुझिब ए नीति नियमर बाड़बंधा। हठात किए डाकिला परी लागिला, दुआर मुँह को धाईगले माँ। तांको घर को पुणी किए आसिला, देखिले दांडरे ठिया उठिछि भिकारी मदना, हातरे गोटे बैग्रे कौन धरी, गोटे गोड़ ना तार बाड़ी धरी चले। या द्वार ता द्वार हे जहाँ मिले से चली जाए, जहाँ बड़े आर दिन को साइते। आउ जदि किछि न मिले गाँव मुंड क्लब घर पाखरे थिबा नलकोरु पानी पी सोई पड़े। माँ को कहिला मदना, मदना बाड़ीटी को आड़ करी मुंडिया मारिला दूर रु माँ को कहिला माँ नुआखाई जुहार। जुहार बापा जुहार, तते आज कौन बा देई पारिबी जे तू मते जुहार करिबा को एठी के आसीछु? नाई गो माँ, आज नुआखाई जे कित्ते घर मते पिठापणा देले, मु तो एकला लोक कौन बा करिबी। सेइथी पाई ए पिठापणा तक धरिकी तम घर को चली आसिली। एतिकी सुनिला परे माँ को आखिरु खुशीर दुईधारे लुह झरी आसिला। सांगे सांगे मदना कहिला माँ, माँ गो गला बरसर तुम्हें मत भात तीयण पिठा पणा लुगापटा केते देइथिलो, आज किछि मागिकिना आनी देइछि जे रखिबनि कि माँ। माँ बुझी पारु नथिले कि किछि कहि पारु नथिले, अनेक गुड़िए शब्द आखि सामनारे भासी चलुथिला। हेले हेले ओठ को छुई सब फेरी जाउथिला। मनि मनि भाबिले एते बंधु बांधव साही पड़िसा किए टिके द्वार मुह माड़िले, हेले मदना जहाँ को से केबे मुठाए दाना देथिले से दानार करज सुझेबे पाई आज से एठी ठिया उठिछि। विधिर कि विचित्र नियम, विधिर कि विचित्र विधान, कौन बा करिबे। सेथिपाई संकोचरे ठिया उठिले माँ, नेबे कि नेबेनी ए द्वंद्वरे थिले से। लोके कौन कहिबे भिकारी ठो नेकी खाइला बोली, ना ना से नेबेनी, ना से नेबेनी। मदना बुझी पारिथिला माँ मनर कथा, टिके बाड़ पाख को जाए बसी पड़िला आउ हाथ जोड़ी कहिथिला माँ गो माँ, तमर पिला बोली भाभी मते सबु किछि दीछ, सबु किछि दीछ। पेट रड़ी छाड़ा बेले लोके दी लात दे दियंती, हेले तमे से पेटर निया को लिभेइछ। आउ आज जेते बेले तोर पुओ हे किछि आनिछि
ତାକୁ ନ ନେବାକୁ ମନ କରୁଛୁ? ଖାଲି କ'ଣ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ପୁଅ, ମୁଁ ଖାଲି ମାଆ ଡାକିନି ଗୋ ମା, ମୁଁ ତତେ ମାଆ ବୋଲି ଭାବିଛି, ତୁ ମୋର ମା, ନେ ମା ନେ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା, ନେ ନେ ମା ନେ। ଏଇ କେଇପଦ ଶବ୍ଦରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ମାଆଙ୍କ ପଣତକାନି, ଆଖିର ଲୁହରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମଣିଷ ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବାଡ଼ ଭିତରୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ମା ନେଇଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ। ମଦନାର ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ପାଖରେ ନଥାଇ ବି ଦେବାର ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ ତାହା ବୋଧେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ। ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ମଦନା। ହଁ, ମା ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଖୋଲିଲେ, ସେଥିରେ ଥିଲା କେତେ ରକମର ପିଠା ଭାତ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି, ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଶେଷରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲୁଗା। ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖି କୁନି ଝିଅ ପିଙ୍କି ଆଗ ବସିପଡ଼ିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମଦନା ଏ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ଆଣିଲା, କେତେ ଦିନ ଓ ରାତିର ତା ପରିଶ୍ରମର ଏ ମୂଲ୍ୟ। ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ, କୋଟି ଜୁହାର କଲେ କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ, ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ମାରି ପୁଣି ଧାଇଁଗଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଲେ। ସାନ ଝିଅ ପିଙ୍କିର ପାଟିର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନଥାଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖାଉଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ଜିତିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, କିଏ କେତେ ଖାଇବ। ସୁରଜ ଝରକା ପାଖରୁ ଦେଖୁଥାଏ ସବୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମା ଦୂରରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସୁରଜ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଗୋ। ମା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଧାଇଁଯାଇ ସୁରଜକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ବହେ କାନ୍ଦିବେ, ହେଲେ ମନ ଯାହା ଚାହେଁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସେଟା ହୁଏ। ଖାଲି ପାଟିରୁ ଏତିକି ବାହାରିଲା, ଭଲ ହେଇଯା ବାପା, ଭଲ ହେଇଯା। ଚାରିଆଡ଼େ ନୂଆଖାଇ ସରିଛି, ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ଶବ୍ଦ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର, ହେଲେ ସୁରଜଙ୍କ ପରିବାରର ମନରୁ ଜୁହାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ମଦନାର ପାଖକୁ। ଭିନ୍ନ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମନର କେଉଁ ନିବୃତ କୋଣରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର।